आपके लिए पहली बार लेकर आई हूँ मल्टीग्रेन खिचड़ी। तो चलिए देखते हैं मल्टीग्रेन खिचड़ी बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और कैसे बनानी है, वो भी एकदम सिंपल तरीके से, एक अलग स्टाइल में, अलग अंदाज में। तो बनाते हैं मल्टीग्रेन खिचड़ी। मल्टीग्रेन खिचड़ी बनाने के लिए हमने इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार से लिए हैं। ड्राई मसालों में लिया है हमने थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, सौंफ, ज़ीरा, राई, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अदरक, लहसुन और ये लिया है हमने थोड़ी सी हल्दी। तड़का लगाने के लिए हमने लिया है थोड़ा सा कड़ी पत्ता, कटा हुआ प्याज, कटे हुए गाजर। तड़के के लिए हमने लिया है हींग, नमक स्वादानुसार। ये हमने ले लिया है पुदीना और उसमें ही ऐड कर लिया है धनिया। ये हमने लिए है सोयाबीन वड़ी। ये हमने ले लिए थोड़े से रोस्टेड पीनट्स। ये हमने ले लिए थोड़े से काजू और कटा हुआ पोटैटो। और हमने ये लिए बासमती चावल, उसमें मैंने ऐड कर दिए हैं मूंग दाल और उसी के अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं तुअर की दाल और ये सब मिक्स करके मैंने अच्छे से वॉश कर दिए हैं। अभी देखते हैं खिचड़ी कैसे बनाएंगे। ये जो हमने मसाले लिए हैं, इन मसालों को हम डाल देंगे मिक्सी के जार में और उसकी स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे। ये सूखे मसाले मैंने डाल दिए मिक्सी के जार में। इसी के अंदर हम डालेंगे धनिया और पुदीना। ब्लेंडर जार में हमने ऐड कर दिया है पुदीना और धनिया। अब हम इस मिक्सी में इसकी स्मूथ सी पेस्ट बनाएंगे, फिर देखेंगे खिचड़ी कैसे बनाते हैं। ये हमने गैस के ऊपर रख दिया है कुकर और कुकर में हमने डाल दिया है ऑयल और घी। हमने देसी घी डाला है, इसे अच्छे से हमने गर्म होने दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी राई। राई हमारे अच्छे से चटकने लग गई है। राई अच्छे से चटकने लगी है। हमने इसके अंदर डाल रहे हैं 1 टीस्पून ज़ीरा। 1 टीस्पून हमने इसमें डाला है ज़ीरा क्यूमिन। अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा कड़ी पत्ता, हींग, थोड़े से पीनट्स और काजू। कटा हुआ प्याज और गाजर। प्याज और गाजर हम अच्छे से भूनने देंगे। गैस की फ्लेम हाई कर देनी है। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे ये मसाले की पेस्ट। मसाला थोड़ा सा होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। हमारे जो मसाले वो जले ना। पानी डालने के बाद उसी स्टेज में ऐड करेंगे हम कटा हुआ पोटैटोस और ये सोया पनीर। अगर आपके पास मटर है तो आप इसमें मटर ऐड कर सकते हो, फ्लावर ऐड कर सकते हो। पोटैटो और सोयाबीन बड़ी हमने मसाले में 2 मिनट के लिए फ्राई कर ली है। अब हम डालेंगे इसमें सोख किए हुए चावल, ये वाले चावल, और हमने उसमें दाल मिक्स की है, ये हम उसके अंदर डाल देंगे। चावल और सॉल्ट हमने इसमें अंदर ऐड कर दिया है। अभी हम इसके अंदर इसे चलाएंगे। एक बात बताना चाहूँगी कि आपको मसाले आपके स्वाद अनुसार लेने हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप ज़्यादा मसाले यूज़ कर सकते हो, अगर आपको कम स्पाइसेस पसंद है तो आप कम मसाले यूज़ कर सकते हो। अभी हमें इसे चावल को 2 मिनट के लिए इसके अंदर रोस्ट करना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे वाटर। हमने वाटर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हमें पानी को उबाल आने तक वेट करना है। जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा इसकी लीड बंद नहीं करनी है। पानी में उबाल आने के बाद ही लीड बंद करनी है। अगर इससे पहले आप लीड बंद कर दोगे
तो जो पानी है विस्टल से पूरा ऊपर आ जाएगा, आपके मसाले पूरे बाहर आ जाएंगे और जो खिचड़ी का टेस्ट है वो पूरा चला जाएगा। लीड तभी लगानी है जब पानी को उबाला जाए। ये आप देख सकते हो पानी में उबालना स्टार्ट हो गया है। अब हम एक बार इसको हिला के इसकी जो लीड है वो क्लोज कर देंगे। बंद कर दी, अभी हमने कुकर की जो लीड है वो बंद कर दी है। अभी हमें 3 विस्टल्स आने तक वेट करना है। गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है, हाई फ्लेम पर 3 विस्टल लेने, उससे ज़्यादा विस्टल्स नहीं लेने। खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है, हमने डाल दी है सर्विंग प्लेट में सर्व करने के लिए। उसके साथ हमने ये लिया है मसाला मट्ठा, थोड़े से प्याज और ये है हमारी मसाला खिचड़ी। इसके ऊपर हमने स्प्रेड दिया कर दिया है थोड़ा सा देसी घी। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसे बना के ज़रूर देखना और इसकी जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसी बनी है। आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई चटपटी सी रेसिपीज़ के साथ।